जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई है। जम्मू और कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी अब खत्म हो चुका है। सरकार के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड सितारों की क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड सितारों ने सरकार के इस फैसले पर क्या क्या कहा है। अनुपम खेर का परिवार सालों पहले कश्मीर छोड़ चुका है, लेकिन इस निर्णय के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा, मैं न्यूयॉर्क में कश्मीर को लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के साथ जागा हूँ। अपनी ऑटोबायोग्राफी लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली की रिलीज पर एक कश्मीर लड़के के लिए इससे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है, भगवान तेरा शुक्रिया। भारत सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी बधाई हो इंडिया। वहीं परेश रावल ने ट्वीट करते हुए इसका समर्थन किया और लिखा है कि आज वास्तव में मातृभूमि को आज़ादी मिली है, आज भारत असल में एक शब्द को पूरा हो पाया है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है, अगर इस असंभव काम को कोई कर सकता था तो वो सिर्फ मोदी ही है, मैं इस ऐतिहासिक दिन पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। टेलीविजन के दिग्गज प्रोड्यूसर एकता कपूर ने मोदी सरकार के इस फैसले को अतिवादी बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह अतिवादी फैसला है, लेकिन समय की जरूरत है, सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर सुरक्षित रहे, ऐतिहासिक दिन। फिल्म भूतनाथ के डायरेक्टर विवेक शर्मा ने लिखा है, सावन का पहला सोमवार चंद्रयान 2, दूसरा सोमवार 3 तलाक, तीसरा सोमवार 35 से 370, लग रहा है महादेव तांडव मुद्रा में है, हर हर महादेव, मोदी है तो मुमकिन है। एक्ट्रेस गुल पनांग ने कई ट्वीट किए हैं जिसमें लिखा है, 370 गया, यह एकदम अतुल्य कदम है, शुभकामनाएं। एक्टर कमाल आर खान ने लिखा है कि इंडिया में अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा चतुर और ताकतवर राजनेता नहीं होंगे, वे दोनों सच्ची दोस्ती के सबसे बड़े उदाहरण हैं। वे दोनों एक दूसरे का साथ बहुत बुरे समय में भी नहीं छोड़ते और यही कारण है कि आज वे देश पर शासन कर रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस कोयल मित्रा ने ट्वीट किया है, कश्मीर भगवान शिव का घर है, अब यह हमेशा के लिए हमारा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कश्मीर से धारा 370 हटने से बॉलीवुड के गलियारों में खुशी का माहौल है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।